दो दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने हमारी माताजी को चुनाव में घसीट लाए। हमारी माताजी जिसने बेचारी ने मध्य प्रदेश कहां है वो भी देखा नहीं है, जो राजनीति का रंग नहीं जानती है, अपने एक छोटे से कमरे में प्रभु पूजा में अपना जीवन बिता रही है। क्या मेरी मां को इस प्रकार से घसीटना उचित था? क्या आपके पास यही मुद्दा बचा है? मैं सोच रहा था शायद कांग्रेस पार्टी सबक सीखेगी, लेकिन आज मैंने देखा टीवी में सोशल मीडिया में चल रहा है, मेरी मां को गाली देने से कुछ मेल नहीं बैठा, आज मेरे पिताजी को घसीट के ले आए। मेरे पिताजी जो 30 साल पहले ये दुनिया छोड़ करके चले गए, मेरे परिवार का 100 पीढ़ी में भी किसी का राजनीति से संबंध नहीं है। छोटा सा गांव गरीब परिवार जैसे होते हैं वैसी जिंदगी गुजारने वाले हम लोग, क्या कारण है क्या आज मेरे पिताजी को भी घसीट के ले आए जो 30 साल पहले दुनिया छोड़ के चले गए हैं? और कांग्रेस के नामदार कहते हैं कि मोदी जी भी तो मेरे परिवार के लिए बोलते हैं। अरे नामदार, हम आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं बोलते हैं, हम देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए बोल रहे हैं, हम देश की भूतपूर्व कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके काम का हिसाब मांग रहे हैं। अगर मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है, तो श्रीमान नामदार आपको भी हक है मेरे परिवार के बाल नोच लेने का, अगर वो राजनीति में है तो, अगर वे सत्ता के गलियारों में है तो, जो घर में बैठे हैं आपका पूरा परिवार देश के शीर्षस्थ स्थानों पर रहा है, दल के शीर्षस्थ स्थानों पर रहा है, और इसलिए जितना मोदी पर आप सवाल पूछ सकते हैं, जितना मोदी जवाबदेह है, उतना ही आपका परिवार भी जवाबदेह है। ये लोकतंत्र है। आप ये तर्क देकर के गाली गलौज करने वाले अपने साथियों का बचाव मत कीजिए।